तो यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का रिविजन चालू करता है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम रहता है कि एफ ओफ एक्स एक फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि एफ ओफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ ओफ वाई फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर विच इज, तो हमको ये बताना है कि वो ऑल एक्स पर कंटिन्यूस होगा अगर वो एक्स इज इक्वल टू वन पर कंटिन्यूस है। तो किसी भी चीज के कंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ेगा कि लिमिट यहाँ पर जो होगी एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ ओफ एक्स वो क्या होनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओफ वन होना चाहिए, कंटिन्यूटी की बेसिक कंडीशन है। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू, इसको ऐसे लिख सकता है एफ ओफ वन माइनस एच, और ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ओफ वन प्लस एच इज इक्वल टू एफ ओफ वन। इस वाली क्वांटिटी को इस रिलेशन से क्या लिख सकते हैं, एफ ओफ वन एंड एफ ओफ माइनस एच ऐसे लिख सकते हैं, विच इज लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ओफ वन एफ ओफ एच ऐसे लिख सकता है। अब इसको ध्यान से देखो, एफ ओफ वन तो कॉन्स्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ओफ माइनस एच इज इक्वल टू एफ ओफ वन हो, तो यहाँ पर यहाँ से देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ओफ माइनस एच की वैल्यू वन आ जाएगी। वैसे ही लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ओफ एच इसकी वैल्यू भी तुम्हारे पास वन आ रही है, अगर इन दोनों कंडीशन को देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आया। तो अब बाकी की ए की वैल्यू के लिए देखते हैं, तो फिर आगे देखते हैं। तो अब मैं किसी ए पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी देखूँ, तो मान लो सब सम आर्बिट्री पॉइंट ए पर देखता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच निकालनी पड़ेगी, जो कि हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ माइनस एच। एफ ऑफ ए तो कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे, और इसकी वैल्यू वन है ही, तो ये क्वांटिटी एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी। और बेसिकली जो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच है उसको भी ऐसे ही कर लेंगे, एफ ऑफ ए कॉन्स्टेंट है और इसकी वैल्यू वन है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए ही आ जाएगी जो कि फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। यहाँ से अपन ने क्या बता दिया कि यहाँ से अपन ने प्रूफ कर दिया जो फंक्शन है अगर वन पर कंटिन्यूस है तो वो ऑल एक्स पर कंटिन्यूस है, तो इस तरीके से अपन प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर फिर डिसकंटिन्यूटी और उसके टाइप के बारे में बात करते हैं, तो दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है, एक तो होती है जिसको रिमूव किया जा सकता है और एक होती है नॉन रिमूवेबल। तो इसमें इसमें क्या होता है, तुम्हारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी लेकिन या तो वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होगी या फिर एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड होगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, अपन फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं ताकि वो कंटिन्यूस हो जाए। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट टाइप होता है मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट तो सबसे पहले जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो अपन इसकी लिमिट देखे एक्स टेंडिंग टू वन तो कितनी आएगी, उसको ऐसे लिख देंगे ऊपर वाले को और कैलकुलेट करोगे तो टू तुम्हारे पास लिमिट की वैल्यू आएगी। तो अपन क्या करेंगे इस केस में, फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे ताकि अपना फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो ये तो एक्स नॉट इक्वल टू वन के लिए अपना फंक्शन आई, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू टू, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, यहाँ से अपन ने डिसकंटिन्यूटी हटा दी। अगर तो इसका एक्चुअल केस कैसे था, ये जो लाइन थी एक्स प्लस वन थी लाइन की इक्वेशन, तो यहाँ पर ये लाइन कुछ ऐसे थी, लेकिन यहाँ जो वन था ना, यहाँ वन पॉइंट पर यहाँ पर यहाँ होल था, यहाँ पर ये यह डिफाइंड नहीं था, तो अपन ने उसको रीडिफाइन किया और इसकी वैल्यू वन पर टू की लिमिट के बराबर हो गई एक्स टेंडिंग टू वन पर। तो इस तरीके से मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पर रिमूवेबल में ही दूसरी है आइसोलेट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें जैसे यहाँ पे सिग्नम फंक्शन लिया है मैंने, सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन का मोड लें अगर अपन, तो सिग्नम फंक्शन का मोड लेने पर क्या आएगा, तो सबसे पहले ये सिग्नम फंक्शन है जो कि ऐसा होता है, अगर इसका तुम मोड लोगे तो तुम्हारे पास ऐसा आएगा वन फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है
लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट करती है, एक्स टेंडिंग टू जीरो पर इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी जो कि वन के इक्वल होगी। सबसे पहले मैंने बताया रिमूवेबल के लिए क्या होना चाहिए, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हमने, क्योंकि सिग्नम फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इंटीग्रल पॉइंट पर, तो सबसे पहले मैंने उसका क्या लिया, मोड लिया, उसके उसको ये बनाया और उससे मैंने सबसे पहले उसकी लिमिट एग्जिस्ट कराई जीरो पर। लेकिन ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो उसके इक्वल नहीं है। तो उसके इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये जो अपना फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस कब होगा पूरा, जब इसके ये सिग्नम ऑफ एक्स होगा फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन हो जाएगा अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू वन हो जाए तब तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस केस में अपन ने क्या किया, ये जीरो पर मतलब डिसकंटिन्यूस था, तो अपन ने यहाँ पर इसकी जो फंक्शन इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी लेकिन जीरो पर, तो फिर अपन ने फंक्शन को रीडिफाइन किया और ऐसा बना दिया यहाँ पर जो एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू उसकी लिमिट के इक्वल रख दी। तो इस तरीके से अपन फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते, आइसोलेट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो उसके बाद बात करते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को। तो इसमें सबसे पहले लेता है जंप टाइप, जो जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी होती है ये नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी होती है क्योंकि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर अपने पास कोई तरीका नहीं होता कि अपन फंक्शन को रीडिफाइन करके उसको कंटिन्यूस बना सके। तो सबसे पहले जंप टाइप देखते हो, तो यहाँ पर अगर तुम लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस निकालो तो उसमें ये फंक्शन का यूज होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी वन प्लस टू विच इज इक्वल टू थ्री। ओके, अगर लिमिट तुम एक्स टेंडिंग टू या माइनस ऑफ वन माइनस निकाल रहे हो या माइनस ऑफ वन प्लस देख रहे हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे माइनस ऑफ वन का स्क्वायर जो कि वन हो जाएगा। तो यहाँ पर जंप एग्जिस्ट कर रही है, कैसे, जैसे मैं यहाँ पर बात करूं और यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, तो जैसे तो सबसे पहले तो ये लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू और x इज इक्वल टू जो यहाँ पर अपन माइनस वन देख रहे हो उस पर इसकी वैल्यू थ्री होगी और यहाँ पर ये होगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ होगा इसका, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, माइनस वन पे देख रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू होगी वन और यहाँ पर अपना जो है इक्वलिटी का साइन है तो इधर आएगा ये। तो यहाँ पर ये तुम्हें जंप दिख रही होगी टू यूनिट की जंप, तो यहाँ पर ये होती है जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड की लिमिट देख रहे थ्री आ रही है, राइट हैंड वन आ रही है, तो टू का जंप है। तो जंप क्या होता है, जो नॉन नेगेटिव डिफरेंस होता है, जो नॉन नेगेटिव डिफरेंस होता है वो लेना है। तो तुम्हें मॉड्यूलस ऑफ इन दोनों की लिमिट कर लोगे तो थ्री माइनस वन आएगा, तो ये टू जंप हो जाएगी तुम्हारी और ये जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी होती है जिसमें ऐसा कुछ होता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो जो सेकंड होती है नॉन रिमूवेबल में वो होती है इनफाइनाइट टाइप। इसमें क्या होता है जो वन ऑफ लिमिट होती है, एटलीस्ट वन ऑफ लिमिट, वो इन्फिनिटी हो जाती है। तो जैसे y इक्वल टू वन बाय एक्स कर ले, तो x टेंडिंग टू अगर मैं यहाँ पर जीरो माइनस की बात करूं वन बाय एक्स तो वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और x टेंडिंग टू जीरो प्लस की बात करूं वन बाय एक्स तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही लिमिट की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रही है, तो इसको बोलते हैं अपन इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो ये होता है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हैज वर्टिकल असिम्प्टोट, ये है ना वर्टिकल असिम्प्टोट, ये असिम्प्टोट है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट टाइप है। तो इसी में अगर मैं ये दूसरा ग्राफ लूं y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन है x लेस देन जीरो के लिए वन बाय एक्स और x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए x प्लस वन, तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पर ये ऐसा आएगा कुछ, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का हो जाएगा और यहाँ पर ये है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर इस लिमिट की जो वैल्यू है x टेंडिंग टू जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी है लेकिन x टेंडिंग टू जीरो प्लस पे इसकी जो लिमिट है वो वन है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया एटलीस्ट वन लिमिट की वैल्यू भी इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, तो वो उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होगी जो कि नॉन रिमूवेबल है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी को। तो यहाँ पर इनफाइनाइट वो अपन ने इनफाइनाइट टाइप कर लिया, अब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लास्ट टाइप लेता है जो कि ऑसिलेटरी टाइप। इसमें क्या होगा, जो फंक्शन होगा दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो जो साइन का जो फंक्शन है अपन को पता है माइनस वन टू वन के बीच में लाई करता है,
लेकिन जब x टेंडिंग टू जीरो होगा तो यहाँ पे जो पाई बाई एक्स है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो जो साइन ऑफ इन्फिनिटी है, क्योंकि साइन पीरियोडिक फंक्शन है, अब अपन को पता नहीं, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ओसिलेट करता है इन दोनों क्वांटिटी के बीच में, तो अपन इसको कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में। तो यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं ऑसिलेटरी टाइप डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत तेजी से इन दोनों के बीच में, इन दोनों वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करता है, तो यहाँ पर इसको कुछ वैल्यू बता नहीं सकते। जब ये एक्स टेंडिंग टू जीरो जा रहा है तो इस तरीके से ये ऑसिलेटरी टाइप डिस्कंटिन्यूटी होती है। तो जो मैंने तीन केस बताए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइप की, ये जो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी, तो अपन इनको कंटिन्यूस नहीं बना सकते बाय असाइनिंग सम वैल्यू टू द फंक्शन एट सम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे अपन ने रिमूवेबल टाइप में बनाया था कि अपन ने किसी पॉइंट पर कुछ वैल्यू असाइन कर दी थी जिससे जो फंक्शन था वो कंटिन्यूस हो गया था, लेकिन इस केस में अपन ऐसा नहीं कर सकते, ये नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी, एक तो इनफाइनाइट टाइप थी, एक जंप टाइप थी, और एक ये ऑसिलेटरी टाइप है। उसके बाद देखते हैं डायरेक्शनल कंटिन्यूटी क्या होती है। डायरेक्शनल कंटिन्यूटी, तो यहाँ पर अगर तुम जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो, तो उस पर अगर तुम अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस निकालो ऑफ दिस, तो वो टू ही आएगा, और फंक्शन की वैल्यू एट द टू पर भी टू ही आ रही है, तो यहाँ पर ये है जो राइट कंटिन्यूस है। राइट कंटिन्यूस है मतलब टू प्लस और टू पे वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ पर ये राइट कंटिन्यूस है। और अगर जैसे कुछ फंक्शन में, जैसे अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जो जैसे कुछ ए माइनस है एफ ऑफ एक्स, वो अगर एफ ऑफ ए के बराबर हो जाए तो यहाँ पर उसको लेफ्ट कंटिन्यूस बोलेंगे। कंटिन्यूटी के केस में क्या होता है, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी के केस में क्या होता है, कंटिन्यूटी के केस में क्या होता है, जो फंक्शन होता है लेफ्ट कंटिन्यूस भी होता है और राइट कंटिन्यूस भी होता है। तो ऐसे कुछ डायरेक्शनल कंटिन्यूटी तुम डिफाइन कर सकते हो। लेफ्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब है, जो ये एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर होगा। राइट कंटिन्यूस का क्या मतलब है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर होगा। तो इस तरीके से डायरेक्शनल कंटिन्यूटी भी तुम डिफाइन कर सकते हो। तो उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूटी इन इंटरवल। कोई तुम्हें इंटरवल दे रखा है तो उसमें तुम कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करोगे, तो मान लो तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है ओपन इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूस है, तो इसका क्या मतलब है, वो ईच पॉइंट पर, ईच पॉइंट जो बिलोंग करता है ए टू बी में, उस पर वो कंटिन्यूस होगा। जैसे मान लो सी कोई भी ले लिया तुमने जो कि इसको बिलोंग कर रहा है, तो उस पर क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। तो ये होना चाहिए एवरी पॉइंट पर जो ए कोमा बी के बीच में लाई कर रहे हैं। तो जैसे मान लो जो टेन फंक्शन है टेन एक्स, वो कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में। जो जी ऑफ एक्स है, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वो ओपन इंटरवल वन टू 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 थ्री या माइनस थ्री टू माइनस टू में कंटिन्यूस। लेकिन अगर तुमने इंटरवल ले लिया मान लो जीरो टू टू, तो यहाँ पर ये एक्स इज इक्वल टू वन जो कि एक इंटीजर पॉइंट है, उस पर ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर मतलब अगर एक भी पॉइंट तुम्हें ऐसा मिल जाए जिस पर वो डिसकंटिन्यूस है, तो उस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ओपन इंटरवल में अपन कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर तुम्हें यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल में दे रखा है, तो सबसे पहले बात तो ए कोमा बी के इनसाइड जो भी पॉइंट है उस पर कंटिन्यूस होना चाहिए। जो ए पॉइंट है उस पर क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ ए राइट कंटिन्यूस होना चाहिए यहाँ पर, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। और बी पर क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। जैसे तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले लिया इन द इंटरवल वन कोमा टू, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस है एक्सेप्ट टू पर। देखो अगर टू पर तुम्हें क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो अगर टू माइनस पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में टू माइनस एच पुट करेंगे तो सिंपली यहाँ पर ये वन आएगी इसकी वैल्यू, तो वन आएगी। लेकिन जो एफ ऑफ
ग्रेटेस्ट टेंजेंट ऑफ टू की वैल्यू टू होती है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर एक भी पॉइंट तुम्हें ऐसा मिल जाए जिस पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो मतलब इस पूरे होल इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है उस इंटरवल में। अगर तुम्हें एक पॉइंट भी ऐसा मिल जाए जिस पर वो डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम वो बता सकते हो कि इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस तरीके से ये अपन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसकी बात करनी है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कब होगा, जब नीचे वाला पार्ट है जो जीरो हो जाएगा, यानी जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू हाफ पर, साइन एक्स की वैल्यू हाफ कहाँ पर होती है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक के इक्वेशन में पढ़ा होगा आपने, कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट टाइप, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये कब होगा, जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को, ये तो बेसिक मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ से इसके दो फैक्टर करके मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू बता सकते हैं। तो इन पॉइंट पे क्या होगा, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है, वही नॉन रिमूवेबल जो इस वाले पार्ट में थी। मान लो आपको एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो यहाँ पर इसके डिसकंटिन्यूटी के लिए ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, लेकिन ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं, तो ये तो ऑलवेज मतलब ये जो क्वांटिटी होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगी, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। तो ये 1/4 प्लस 3/4, ये जो क्वांटिटी है नीचे की ये ऑलवेज ग्रेटर देन वन है, तो ये कभी जीरो होगा ही नहीं, तो ये कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी जो मैंने डिफरेंट टाइप बताया उसमें करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है बस। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एलजेब्रिक ऑपरेशन, तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है मान लो, जो तुम्हें कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है इन द गिवन इंटरवल, तो उनका जो सम होगा, जो उनका डिफरेंस होगा, जो प्रोडक्ट होगा या जो डिविजन होगा, वो ऑल्सो कंटिन्यूस, वो भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड जो जी ऑफ एक्स है, मान लो तुमने जो यहाँ पर डिवाइड में ये लिया, जो भी जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए इन द इंटरवल, जो अपना इंटरवल दे रखा है उसमें वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो रहा है तो फिर वहां पर तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर तुम्हें दो कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं, तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ये सारे कंटिन्यूस होता है, प्रोवाइडेड जो नीचे वाला जो फंक्शन है नॉट इक्वल टू जीरो इन द गिवन इंटरवल। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं, मान लो एफ ऑफ एक्स है कंटिन्यूस है एंड जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूटी है एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू है, तो तुमसे ऐसे पूछा कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यानी उसका सम और डिफरेंस कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू ए पर, तो तुम क्या बोलोगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर ये कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ ए के बराबर होगी, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, अगर ये डिसकंटिन्यूस है तो ये नॉट इक्वल टू जी ऑफ ए होगा। तो इन दोनों की लिमिट का सम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ये नॉट इक्वल टू होगा एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो सम और डिफरेंस और डिसकंटिन्यूस होता है अगर एक कंटिन्यूस और दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस दे रखा है जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस दे रखा है एक्स इक्वल टू ए पर, तो सम एंड डिफरेंस में तो अपन ने देख लिया तो डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट है उसके बारे में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, वो कंटिन्यूस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा एक्स क्यूब है और जी ऑफ एक्स है तुम्हारा सिग्नम ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूस है जीरो पर और ये जीरो पर डिसकंटिन्यूस है, इनका प्रोडक्ट करो तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब फोर एक्स लेस देन जीरो, जीरो फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस ऑफ एक्स क्यूब फोर एक्स, ये यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स क्यूब फोर एक्स लेस देन जीरो, सिंपली ये आएगा। तो ये तो क्या है, ये कंटिन्यूस है जीरो पर, तो मतलब यहाँ पर अगर एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है तो उसका प्रोडक्ट कंटिन्यूस होता है, उसका एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। तो लेकिन अपन देखे जैसे एक एग्जाम्पल, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले और जी ऑफ एक्स अपन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा एक्स टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स
ये तो ऑल एक्स के लिए कंटिन्यूस है और ये इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है, तो इंटीजर पॉइंट पे चेक करता है, तो अपन ने चेक किया एक्स टेंडिंग टू वन माइनस पे, तो वन माइनस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो वन हो जाएगा और ये जीरो, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर अपन लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस पे चेक करें तो ये तो अभी भी वन है, ये वन है तो वन आ जाएगी, तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। तो वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है प्रोडक्ट, लेकिन एक ट्रिक है वो याद रखना कि मान लो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू ए पर, और तुम्हारा जी ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है लेकिन उस एक्स इक्वल टू ए पर, लेकिन उस जी ऑफ ए की वैल्यू जीरो हो रही है उस ए के लिए, तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस बन जाएगा प्रोडक्ट का। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये था कंटिन्यूस था लेकिन कंटिन्यूस के साथ इसकी जीरो पे वैल्यू जीरो भी थी, तो ये फंक्शन क्या बन गया इनका, और ये डिसकंटिन्यूस था तो प्रोडक्ट क्या बन गया कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस था लेकिन ये जो फंक्शन था उसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू वन पर जीरो नहीं थी, ये नॉट इक्वल टू जीरो थी, तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस। अगर जो अपना जो कंटिन्यूस फंक्शन है उसकी वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर जीरो हो रही है तो वो उस प्रोडक्ट को क्या बना देगा कंटिन्यूस बना देगा। तो इस तरीके से एक ट्रिक है तो जो तुम याद रख सकते हो, तो मान लो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पर अपन जो भी एलजेब्रिक ऑपरेशन होंगे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, कंटिन्यूस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। तो मान लो एक सम का एग्जाम्पल लेता है, ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है और जी ऑफ एक्स फंक्शन है जो तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये जो दोनों ही फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू वन पर डिसकंटिन्यूस है ओके, लेकिन जो इसका सम है वो क्या होगा एक्स, ये क्या होगा एक्स फंक्शन तो कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जब दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस थे लेकिन जो उनका सम है वो यहाँ पर कंटिन्यूस है, वैसे ही एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेता है, तो मान लो एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है माइनस वन फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड वन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, और वैसे जी ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है वन फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें देखते हैं, तो अगर तुम ये वाला फंक्शन देखो तो ये जो फंक्शन है ये भी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, ये भी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, लेकिन अगर तुम इनका प्रोडक्ट करो तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट वो माइनस वन आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये बेसिकली ये जो कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू जीरो पर इनका प्रोडक्ट, अगर तुम इसका सम करो तो ये सम जीरो आने वाला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस होगा बेसिकली ये। अगर तुम डिवाइड करो तो ये वैल्यू माइनस वन आने वाली है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये मतलब कंटिन्यूस हो गया एक्स इक्वल टू जीरो पर। लेकिन अगर तुम इसका डिफरेंस करो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का, अगर तुम डिफरेंस करोगे तो वो आएगा माइनस टू फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड टू फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो अपन सम तो अपन एलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकते, बेसिकली आपको चेक करना पड़ेगा अगर दोनों डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरीके से मैंने आपको एलिजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में बताया, तो होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन लेते हैं, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की बात करते हैं, इनकी कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं। तो आपको ये फंक्शन दे रखा है तो आपको बताना है कि कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस कब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब अंदर वाला जो पार्ट होता है वो इंटीजर होता है, तो जब एक्स बाय थ्री की वैल्यू को इंटीजर होगी तो वो मतलब डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर जीरो टू थर्टी के बीच में बात करें तो थ्री भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, नाइन भी आ सकता है, ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन एंड थर्टी। तो अपन को इन पॉइंट्स के बारे में पता है तो यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूस होगा। एंड पॉइंट पे चेक कर लेता है, तो एंड पॉइंट पे चेक करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय थ्री जीरो होगी जो कि एफ ऑफ जीरो के बराबर है, तो यहाँ पर जीरो पर यह कंटिन्यूस है तो जीरो हटा देंगे यहां से, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू थर्टी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय थ्री की वैल्यू नाइन होगी जो कि नॉट इक्वल टू एफ ऑफ थर्टी है, एफ ऑफ थर्टी की वैल्यू क्या आएगी टेन, तो यहाँ पर थर्टी पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो अपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएंगे ये सारे इंक्लूडिंग थर्टी, तो यहाँ पे जीरो हटा के बाकी ये सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या की राइट कंटिन्यूटी चेक की और यहाँ पे मैंने क्या की लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक की, लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी बताया था मैंने। तो यहाँ पर देखोगे थर्टी माइनस, तो ये जो ये नाइन पॉइंट समथिंग कुछ आएगा
और 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होता है और एफ ऑफ 30 की वैल्यू एक्जैक्टली 10 आएगी, इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर, जबकि 0 पे वो कंटिन्यूअस था। फिर आगे देखता है, तो यहाँ पे अगर तुम्हें फंक्शन लॉग एक्स दे रखा है तो सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है, सबसे पहले लॉग एक्स लिया तुमने, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पर वन अपॉन एक्स आया, तो जैसे जैसे अगर तुम यहाँ पर एक्स जो वन अपॉन एक्स है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, उसके लिए एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो फंक्शन है एफ डैश ये वाला ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा तो अपना फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ये जो लॉग फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस कब होता है, जब अंदर जैसे अपन ने पिछले में देखा था एक्स बाय थ्री, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाओगे तो एक्स बाय थ्री की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यानी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा, तो मैं बाद में बताऊंगा उसके टर्निंग पॉइंट का, तो अभी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट जब अंदर वाला वैल्यू इंटीजर होगा तो वहां पर वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अगर ये टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा, इंक्रीज होता जा रहा है, तो जब अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू को इंटीजर होगी तो वो डिसकंटिन्यूस होगा, तो एक्स की वैल्यू ई की पावर के टाइप की होगी तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, तो डिसकंटिन्यूस कौन कौन से पॉइंट पर होगा, ई की पावर -2, ई की पावर -1, ई की पावर 0, ई की पावर 1, ई की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा, ये सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएंगे, तो इस तरीके से चेक कर सकता है, यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना है सिर्फ वो इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में होता है, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो इंक्रीज होता जाता है, ऐसा होता है ना 0 to 1 के बीच में ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे आता है, तो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना, तुम अगर चेक करोगे तो इंक्रीज होता जा रहा है, तो इस तरीके से ये चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें। तो नेक्स्ट फंक्शन है अपने पास साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होती है, -1 to 1 के बीच जो एक्स की वैल्यू है वो किससे किसके बीच में लाई करती है, -1 to 1 के बीच में लाई करती है, और जो रेंज होती है वो -π/2 to π/2 होती है, तो जो साइन इनवर्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब अंदर वाला पार्ट इसका इंटीजर होगा, अगर अंदर वाला पार्ट इंटीजर होगा तो अपने आप ही जो वैल्यू होगी वहां पर वो डिसकंटिन्यूस होगा, ये चीजें होती है, अंदर वाला पार्ट अगर इंटीजर होगा तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज -1 to 1 के बीच में यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच में लाया करते, तो इसमें इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, -0 and 1, ये 3 इंटीग्रल वैल्यू है, तो साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रल वैल्यू -1, 0 and 1 है, तो इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, तो एक्स की यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, sin of -1, एक्स की वैल्यू 0 and sin of 1, ये 3 वैल्यू आई अपने पास जिस पर ये डिसकंटिन्यूस है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को ये फंक्शन दे रखा है, तो आपको पता है कि 2 / (x^2)4x > 0 के लिए ये जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, मतलब कहीं भी टर्निंग पॉइंट नहीं हो रहा, या तो इंक्रीज कर रहा है या फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो डिक्रीज करता जा रहा है, कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा, मतलब ऐसे नहीं डिक्रीज करके इंक्रीज कर गया कहीं, तो इसमें क्या होगा कि जब अंदर वाला फंक्शन जब इंटीग्रल वैल्यू होगी उस पर डिसकंटिन्यूस होगा, तो यहाँ पर 2 / (1+x^2) है, तो इसकी जो रेंज होगी, सबसे पहले तो एक्स की जो > 0 की वैल्यू के लिए ये किसके बीच में लाया करेगा, 0 to 2 के बीच में लाया करेगा, ये जब एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी होगा तब 0 को अप्रोच करेगा, और x = 0 पे तो इसकी वैल्यू 2 है ही, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है इसकी, 1 and 2 पॉसिबल है, तो बेसिकली सॉल्व करेंगे, अगर 1 के लिए सॉल्व करें तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ रही है, और अगर 2 के लिए सॉल्व करें तो x की वैल्यू 0 आ रही है, तो अपने पास 2 पॉइंट आ गए 0 and 1, ध्यान रखिए x > 0 है, तो इन 2 पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, तो इस तरीके से कर सकता है चेक। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x की डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 cos x का ग्राफ बनाया है, ये -2 to 2 के बीच में लाया करेगा, तो यहाँ पर ये अगर तुम π/3 रखोगे इसमें, इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब cos x की वैल्यू हाफ होगी, यानी π/3 के ऊपर, यहाँ पे मैं π/3 पॉइंट बनाता हूँ, तो इस रे तो सबसे पहले तो x = 0 पे जो अपना मतलब 2 cos x का ग्राफ बना रहा हूं मैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो x = 0 पे तो वो यहाँ पे लाई करेगा, उसके बाद यहाँ पर मतलब ये उसके बाद ये ओपन इंटरवल आएगा और यहाँ पर ऐसे आएगा क्लोज्ड इंटरवल,
जीरो पे इसकी वैल्यू टू थी, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वन हो गई फ्रॉम दिस, और इसके आगे ये वैल्यू वन टू जीरो के बीच में लाई कर रही है टू कोस एक्स की, तो इसमें जो होगा ऐसे लाई करेगा ये, यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा, टू कोस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो हो जाएगा अगर टू कोस एक्स की वैल्यू जीरो टू वन के बीच में लाई कर रही है, तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद देखते हैं तो ये वैल्यू है पाई बाय टू, उसके बाद देखते हैं माइनस वन वाला पॉइंट, माइनस वन वाला पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो पॉइंट है वो कोरस्पॉन्डिंग टू टू पाई बाय थ्री है, टू पाई बाय थ्री यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा अपना, और यहाँ पर उस क्योंकि जीरो टू माइनस वन के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस वन होगी, तो कुछ ऐसे लाई करेगा। उसके बाद माइनस टू, ये जो अपना पॉइंट है इधर, यहाँ फोर पाई बाय थ्री आएगा। टर्निंग ग्राफ्स के बारे में बताता ना, मैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, ये इस ग्राफ को टच करता हुआ जाएगा, अगर माइनस वन से माइनस टू के बीच में तो माइनस टू ही रहेगी, और यहाँ पर जाकर इसकी वैल्यू ये हो जाएगी माइनस वन। उसके बाद उसके आगे जो आएगा थ्री पाई बाय टू तक, ये जो वैल्यू है जीरो टू माइनस वन में माइनस वन ही रहेगी, तो थ्री पाई बाय टू तक अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर यही रहेगा। उसके बाद थ्री पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे वन को देखेंगे, वन कहाँ पर आएगा, इधर फाइव पाई बाय थ्री पर, तो इस रेंज में यहाँ पर ये जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा रहेगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा, फिर ये क्लोज इंटरवल, फिर यहाँ पर ये अपना टू पाई है, तो इस पे वैल्यू टू पाई पे वन हो जाएगी, और इससे इस इंटरवल के बीच में अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे वन रहेगी। तो डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट कितना है, तो अगर तुम चेक करो तो सबसे पहले जीरो पे डिस्कंटिन्यूटी है, फिर पाई बाय थ्री पे आ रही है, उसके बाद पाई बाय टू पे आ रही है, उसके बाद टू पाई बाय थ्री पे आ रही है, उसके बाद फोर पाई बाय थ्री पे आ रही है, उसके बाद फाइव पाई बाय थ्री, और यहाँ पर एक और पॉइंट ये है फोर पाई बाय थ्री और फाइव पाई बाय थ्री के बीच में थ्री पाई बाय टू, और उसके बाद टू पाई, तो इतने सारे पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी आ रही है, तो इस तरीके से चेक कर सकता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था जिसमें मैंने ये टर्निंग पॉइंट्स के बारे में बताया, तो होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में, तो सिग्नम फंक्शन डिस्कंटिन्यूस कब होता है, जब ये अंदर वाला पार्ट है वो जीरो हो जाता है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो जब एक्स क्यू माइनस एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो डिस्कंटिन्यूस हो जाता है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई जीरो, माइनस वन एंड वन पर ही डिस्कंटिन्यूस हो जाएगा। बेसिकली अगर तुम्हें दे रखा है सिग्नम ऑफ टू कोस एक्स माइनस वन यहाँ पे दे रखा है, तो ये डिस्कंटिन्यूस कब होगा, जब टू कोस एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कोस एक्स की वैल्यू हाफ हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री हो जाएगी, यहाँ पर एन बिलोंग्स टू जेड। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी डिस्कंटिन्यूटी चेक कर सकता है, मतलब कंटिन्यूटी चेक कर सकता है। यहाँ पर ये दे रखा है तो अंदर वाला पार्ट जीरो, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये आया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू, जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये जो फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरीके से अपन सिग्नम फंक्शन को देख सकते हैं। तो लिमिट एट इन्फिनिटी चेक करते हैं, मान लो तुम्हें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए रेस टू पावर एन दे रखा है, तो इसकी वैल्यू जीरो होती है अगर ए की वैल्यू आपके पास जीरो टू वन के बीच में लाई कर रही है, इसकी वैल्यू वन होगी अगर ए की वैल्यू वन हो, और इसकी वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, फॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। वैसे ही लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तुम्हें दे रखा है ए की पावर टू एन, ए की पावर टू एन दे रखा है, तो इसको तुम लिख सकते हो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर की पावर एन, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो होगी इफ जो ए स्क्वायर है जीरो टू वन के बीच में लाया करेगा, इसकी वैल्यू वन होगी इफ ए की वैल्यू प्लस माइनस वन होगी, और इसकी वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी इफ ए की वैल्यू या तो लेस देन माइनस वन होगी या ग्रेटर देन वन होगी, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेता है, तो यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो ये है, इसकी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अपन को ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है अपन को, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बेसिकली अभी मैंने बताया था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर एन प्लस वन, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर पावर एन एंड वन प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर एन। उसके बाद आगे इसको देखते हैं, तो
यहाँ पर डिफरेंट रेंजेस के लिए चेक करें तो मान लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाया करें, तो डायरेक्ट यहीं से चेक करो तो जो ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 जाएगी, तो यहाँ पर 0 - 1 / 0 + 1 आएगा जो कि -1 आएगा। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है उसमें 1 - 1 = 0 आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर चेक कर सकता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है अगर, तो जो 1 / x² होगा उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, और फिर उसकी जो पावर है टेंडिंग टू लेस देन 1 की पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी वो 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ पे 1 - 0 / 1 + 0 आएगा जो कि 1 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने डिफरेंट रेंजेस में निकाला। अब इसकी भी फर्दर डिवाइड कर सकता है, तो एक्स इसको क्या लिख सकता है, एक्स लेस देन -1 उसमें 1 आ रहा है, और एक्स ग्रेटर देन 1 उसमें 1 आ रहा है। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर इसके दो पार्ट हो जाएंगे, अपने पास एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 उसपे अपने पास 0 आ रहा है, और एक्स इज इक्वल टू -1 उसके उसपे अपने पास 0 आ रहा है, और थर्ड पार्ट हो जाएगा -1 for 0 x² < 1। तो अब इसको मैं एक सही तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पर अपन ने तीनों पार्ट देख लिए, तो इसको सही ऑर्डर में लिखेंगे तो x < -1 के लिए 1 आ रहा है, x - 1 पर 0 आ रहा है, x between -1 and 1 पे जो वैल्यू है वो -1 आ रही है, x = 1 पे वैल्यू 0 आ रही है, और x > 1 पे वैल्यू 1 आ रही है। तो ये इस तरीके से लिख सकता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं जो -1 वाला पॉइंट है उस पर एक डिसकंटिन्यूटी है, और x = जो 1 वाला पॉइंट है उस पर एक डिसकंटिन्यूटी है। तो ये दो पॉइंट है -1 and 1 जिस पर आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, तो इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन उन फंक्शंस की बात करते हैं जो कि रैशनल एंड इरेशनल वैल्यूज के लिए अलग से डिफाइन होता है। तो यहाँ पर जैसे ये एक्स अगर रेशनल है तो उसके लिए 1 है, अगर एक्स इरेशनल है तो उसके लिए 0 है। तो इसकी कंटिन्यूटी की बात करता है, तो मान लो x = a पर तुम्हें निकालनी है, तो मान लिया जहाँ पर तुम्हें a रेशनल दे रखा है तो इस पर तुम्हें निकालनी है, तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू उस पर 1 हो जाएगी, फिर तुम निकालने चलोगे f(a-) जो कि होगा लिमिट x → a - f(x) जो कि होगा लिमिट h → 0 f(a-h). ये तुम्हें निकालना है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है जो a - h है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, तुम्हें पता नहीं है। तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, ये तुम्हें पता नहीं है। वैसे ही लिमिट h → 0 f(a+h) ये रैशनल भी हो सकता है, a प्लस एच की वैल्यू रैशनल भी हो सकती है या इरेशनल भी हो सकती है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो 0 भी हो सकती है वैल्यू, 1 भी हो सकती है, अगर रैशनल है तो 1 हो जाएगी, रैशनल है तो 0, तो तुम कुछ बता नहीं सकते, कोई फिक्स नहीं है। तो इसको बोलेंगे कि f(x) डिसकंटिन्यूअस है एट x = a, क्योंकि अपन बता नहीं सकते कि वो उसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलरली अगर तुम x = a को इरेशनल लेते हो तो भी यही आर्गुमेंट होगा, जो a - h है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, जो a + h है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो अगर उस पर डिपेंड करेगा कि जो f(a-h) की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, या f(a+h) की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, x = a रैशनल उसके लिए तो अपन बता सकते हैं 0 होगी। अगर इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, अगर इन दोनों की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 हो गई मान लो, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो भी डिसकंटिन्यूस, इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई इसकी 1 हो गई तो भी डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पे अपन बता नहीं सकते, तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। इस तरीके के फंक्शन को बोलता है डिरिचलेट फंक्शन, ये भी तुम ध्यान रख सकते हो। तो इस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पे बात करते हैं लास्ट, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी की बात करता है, तो मान लो तुम्हारे पास f(x) है जो कि 1 / 1 - x है, तो बेसिकली x = 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन तुमने g(x) बनाया जो कि है f(f(x), तो ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पर ऑब्वियसली f(x) की वैल्यू 1 होगी, यानी जो 1 / 1 - x है उसकी वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 पर। लेकिन अगर तुम यहाँ पर देखो लिमिट x → 1 + g(x), तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट x → 1 + f(f(x). तो यहाँ पर ये f(1/1 - x), तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट
y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई, अगर तुम यहाँ पर चेक करो y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी तो ये वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो बन जाएगा, ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। वैसे ही अगर लिमिट x टेंडिंग टू वन माइनस तुम g ऑफ x देखो तो वो भी जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखें कि f ऑफ वन इसको देखें तो ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि जो f ऑफ वन है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा ये। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वन पर जो है g ऑफ x डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे ये दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू जीरो पे भी और x इज इक्वल टू वन पे भी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, तो मैंने बताया था अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन मतलब वो डिफाइंड नहीं है, तो उसको लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन फिर भी डिसकंटिन्यूअस हो तो वहां पर क्या बोलते हैं, वो रिमूवेबल टाइप की है। इस पर अपन क्या कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू को x इज इक्वल टू वन पर रीडिफाइन कर सकते हैं और उसको कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो ये कौन सी टाइप की, x इज इक्वल टू वन पर g ऑफ x में कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, मिसिंग पॉइंट वाली, मिसिंग पॉइंट वाली। तो इसको हटाकर इसको कंटिन्यूस बनाया जा सकता है x इज इक्वल टू वन पर, लेकिन x इज इक्वल टू जीरो पे नॉन रिमूवेबल हो जाएगी है। तो इस तरीके से ये दोनों पे डिसकंटिन्यूस है, लेकिन एक पॉइंट पर जहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है f ऑफ वन, उसमें अपन क्योंकि वहां पर इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर देख रहे हैं जीरो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसको रीडिफाइन कर सकते हैं x इज इक्वल टू वन पर और उससे उसको कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन का देख लिया। तो जो अपने पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वो था वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स, फिर मैंने एफ ऑफ एक्स बनाया, तो ये कैसे होगा, वन डिवाइडेड एक्स की जगह यहाँ पे वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स आएगा, जो कि एक्स माइनस वन बाय एक्स है। लेकिन मैं जी ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वापस बनाऊँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वापस एक और बार बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, वन एक्स की जगह मैं एक्स माइनस वन बाय एक्स पुट कर दूंगा, तो ये सिंपली एक्स ही आ जाएगा। तो अगर अपन इसकी डिस्कंटिन्यूटी की बात करें तो कहाँ कहाँ पर डिस्कंटिन्यूस होगा, बेसिकली एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन पर होगा, और दोनों पे इस पे मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी आएगी, क्योंकि जो अंदर वाला है वो डिस्कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वन पर। तो इसमें दोनों पे मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी आएगी, दोनों पे इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन डिफाइंड नहीं होगा, मतलब चेक कर सकते हो तुम कैसे कि जैसे x इज इक्वल टू जीरो पे अगर तुम इसकी लिमिट निकालोगे तो जीरो आएगी, और x इज इक्वल टू वन पर लिमिट निकालोगे तो बेसिकली वन आ जाएगी। लेकिन अगर तुम f ऑफ g ऑफ जीरो की बात करो तो ये मतलब जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जो g ऑफ x है वो अपना क्या है, x माइनस वन बाय x है, तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो उस पर डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, जो f ऑफ x जो कि g ऑफ x है वो जीरो पे डिफाइन नहीं है। वैसे ही जो x इज इक्वल टू वन होगा उस पर जो अपना f ऑफ x है वो x इज इक्वल टू वन पर डिफाइन नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट पर मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट पर अगर अपन रीडिफाइन कर दे वैल्यू को तो अपना जो फंक्शन वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी के ऊपर बात कर सकते हैं। तो वो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में।